हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइड से एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इस अपडेट को जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद रहे हैं तो आपको कितना लॉस और कितना मुनाफा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा ही अपडेट अभी निकल के सामने आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, अपडेट आया हुआ है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइड से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को, जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 14 जनवरी को ट्विटर पे ट्वीट करती है कि उनका जो है परचेज विंडो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2022 को शाम 6 बजे से। ओला की ऐप से आप लोग परचेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इसमें जो है बताया ऐसा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ उनके लिए परचेज ओपन हो रहा है जिन्होंने लास्ट टाइम में 20,000 रुपये का एडवांस अमाउंट पेमेंट किया हुआ है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदने के लिए। इसमें सिर्फ वही लोग ही परचेज कर सकते हैं, बाकी जो फाइनल पेमेंट है वो देने के लिए। तो अब यहाँ पे 14 जनवरी को ये अपडेट करती है, उसके बाद 15 जनवरी का अपडेट ये आया हुआ है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ओला S1 Pro ही आपको खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ऐसा भी बता रही है कि उनके पास जो है काफ़ी डिमांड आया हुआ है। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे 15 से 20 लाख लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्ट दिखाया है, उनको लेना चाह रहे हैं, बुक किया हुआ है। 15 से 20 लाख लोग यहाँ पे बुक किए हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने के लिए। तो कंपनी यहाँ पे अब बता रही है कि हमारे पास जो ज़्यादा डिमांड में आया है, मैक्सिमम लोग जो है S1 Pro को डिमांड में लाए हैं। तो वो S1 जो कंपनी है ओला कंपनी, वो S1 Pro को ही ज़्यादा मतलब बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम ओला S को 2022 के एंड में प्रोडक्शन पे लाएंगे और उसको सेल करेंगे, डिलीवरी देंगे। जबकि स्टार्टिंग में बताया गया था सारा चीज़ ओपन था, बुकिंग आप कर सकते हैं दोनों का और दोनों ले सकते हैं, जैसा कि बता रही थी कंपनी S1 Pro और S1 को। अब यहाँ पे बता दें, यहाँ पे S1 का प्राइस हो जाता है लगभग 1 लाख और S1 Pro का प्राइस हो जाता है 1,30,000। तो यहाँ पे कंपनी चाह रही है कि S1 को हम अभी नहीं देंगे और S1 Pro को हम सेल करेंगे तो हमारे पास 1,30,000 के हिसाब से ही प्राइस हमें कंपनी मतलब कस्टमर पे करेंगे कंपनी को। अब यहाँ पे कंपनी ये बोल रही है कि हम S1 को 2022 के एंड में बनाएंगे, मतलब 1 साल अभी आपको और वेट करना होगा। पिछले 1 साल से तो आप वेट कर ही रहे, मतलब 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी चाह रही है कि हम S1 Pro को ही सेल करें और कस्टमर भी S1 Pro को ही लें। जैसा कि अभी आने वाले टाइम में 21 जनवरी को जो परचेज विंडो स्टार्ट होने वाला है शाम 6 बजे से ओला की ऐप पे, वहाँ भी आपको S1 का परचेज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे आप S1 Pro को ही परचेज कर पाएंगे, जिससे कंपनी का बेनिफिट होगा, कस्टमर का मुनाफा होगा। क्योंकि हर कस्टमर के पास उतना नहीं हो पा रहा, वो अपने बजट के हिसाब से ही S1 को परचेज करना चाह रहे हैं 1 लाख के अंदर। चीज़ यहाँ पे अब कंपनी चाह रही है कि मतलब जो कस्टमर है वो S1 Pro को ले, S1 को ना लें, जिससे कंपनी के पास थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा बेनिफिट होने वाला है और यहाँ पे कस्टमर का थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी फोर्स कर रही है उनको कि आप S1 Pro ही लें। अब यहाँ पे कंपनी एक और इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कंपनी ने, जिसमें वो बता रहे थे कि आप S1 भी लेते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर अपडेट करके S1 Pro जैसा ही फीचर आपको मिल जाएगा, जैसे हाई रेंज, टॉप स्पीड और वगैरह वगैरह जो भी फीचर है, साउंड वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए भी आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। ये सब भैनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर रहे हैं गान फटी। मतलब भाई बात तो एक ही हो गया, कान इधर से घुमा के पकड़ो या इधर से घुमा के पकड़ो, 1,30,000 तो हो जा रहा। मतलब यहाँ पे कंपनी जो है कस्टमर का कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ वो अपने बेनिफिट के ऊपर लगी हुई है। और ओला आज तक अपनी बात पे नहीं रहा है, कभी उनको डिलीवरी में लेट होता है, कभी परचेज विंडो कैंसिल करना पड़ जाता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम इशू आ रहा है कस्टमर को, क्योंकि ओला S1 ने जो हाइप क्रिएट किया हुआ है उसके वजह से काफ़ी लोग ओला की जो स्कूटर है उसको लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। तो S1 के लिए जो आप लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग परचेज करना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से, अब यहां पे कंपनी उसको बोल रही है कि हम 2022 के एंड में उसको हम सेल करेंगे, डिलीवरी देंगे।
और यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी बता रही है कि इस जो जनवरी में जो लोग भी परचेस करेंगे 21 जनवरी को उनको जनवरी या फरवरी में डिलीवर कर दिया जाएगा। बट यहाँ भी एक आपको मैं बता दूँ, कंपनी बता रही है कि हम 4000 जो है अपनी स्कूटर डिलीवर कर दिए, बट जो FDA जो सरकारी गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो RTO में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सिर्फ 250 व्हीकल का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो कंपनी यहाँ भी कुछ ना कुछ लोचा लगा रही है। अभी तक कंपनी के पास भी ये बातें पता है कि ऐसा ऐसा मीडिया में न्यूज आया हुआ है, बट कंपनी ने अपने तरफ से कोई सफाई अभी तक पेश नहीं किया है और काफ़ी लोगों को लंबा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले वो 14-15 महीने से वैसे ही वेट कर रहे हैं। अब कंपनी बोल रही है कि 2022 तक भी आपको वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है भाई क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से इसका वेट कर रहे थे और कंपनी बता रही कि अभी आपको और वेट करना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का कस्टमर का कहना है कि भाई हमें फोर्स किया जा रहा है कि S1 Pro को ही लें क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक साल रुकना पड़ेगा या फिर 30,000 देकर आपको S1 Pro ही लेना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। बट अगर यहाँ पे कंपनी ये भी बोल रही है कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो बुकिंग अमाउंट आपको आ जाएगा, बट भाई जो क्या होगा जो हम उतने 8-10 महीने से जो वेट कर रहे हैं उनका फिर क्या होगा। तो यहाँ पे अब ऑप्शन एक ये है कि आपका तो वो रिफंड हो जाएगा बट वो टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन एक ये आ जाता है कि जो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके साइट से भी अपडेट आने लगा है। जैसे कि इन्होंने जब लास्ट ईयर में लॉन्च किया था वो बता रहे थे कि हम जनवरी से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और फाइनली ऐसा हुआ भी है। अब सिंपल एनर्जी की तरफ से सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का अपडेट आने लगा है, वो लोग बता रहे हैं कि हम जून 2022 से डिलीवर करने लगेंगे। तो एक यहाँ पे मान सकते भाई सिंपल वन ओला जैसी तो बड़ी कंपनी नहीं है बट फिर भी यहाँ पे वो जो बात बोल रहे वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो ओला है पहले तो भाई बड़ा बड़ा ये लोग डींग हाँक रहे थे, डींग हाँकने का मतलब आई थिंक आप सभी को पता होगा, मतलब लंबा लंबा फेंक रहे थे भाई हम दुनिया के इतने बड़े मैन्युफैक्चरर है, इतना बड़ा मेरा प्लांट है, इतना हमारा कैपेसिटी है इतने व्हीकल को तैयार करने का, अच्छी लंड मेरा जो करने का टाइम आता है तो ये लोग अपने बात से मुकर जा रहे हैं। तो आई थिंक यही एक अपडेट था, और मतलब अपडेट यही था, मैं आपको एक बेसिक से और बता देता हूँ। आपको 21 जनवरी को शाम 6 बजे से ओला की ऐप पे बुकिंग परचेज कर सकते हैं फाइनल पेमेंट दे के, जिन्होंने लास्ट टाइम 20,000 रुपये का एडवांस अमाउंट दिया है सिर्फ वही लोग। और इसमें भी अगर आपको S1 चाहिए तो S1 नहीं मिलेगा, S1 Pro कहीं सिर्फ परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा में और पैसे लगाने पड़ेंगे। और ये अपडेट था क्योंकि और सेकेंड जो अपडेट था वो S1 का था, जिसमें आपको S1 चाहिए तो आपको 2022 के एंड तक वेट करना पड़ेगा तब जाके S1 मिलेगा, क्योंकि कंपनी यहां पे S1 का प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है, S1 नहीं बना रही है। अगर आपको S1 चाहिए तो आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जिसमें S1 Pro का फीचर मिल जाएगा। तो बात तो वही हो गया भाई, S1 Pro ही वो दे रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। मुझे जहां तक पता है कि आपको काफ़ी बुरा लगा होगा, बट अगर वीडियो पसंद आता है और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।